हद प्यारा बाप डाकू नायक से और फुलेरी डाकू बिजली न्यू हिंदुस्तान डिग्रेव संगीत पार्टी जलालपुर बिस्मा पेश कर रहे हैं। टाइम बहुत काफी हो गया है, ना तो गदार आई है और ना ही तो विक्रम आया है। हमें इधर इसी बात का लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो दोनों में कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया हो। खैर थोड़ी देर इंतजार करते हैं, फिर पता लगाते हैं ये दोनों अभी तक क्यों नहीं आए। आखिर इन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दिया है? अबूजान, इसे तुम बेचारा बोलते हो, ये बहुत हरामी और बहुत नालायक इंसान है। नालायक कहेगी, रमजान चाचा इतने नेक इंसान है, इतने भले इंसान है। पूरी ग्राम सभा के लोग कहते हैं कि रमजान चाचा से अच्छा और भला इंसान इस ग्राम सभा में कोई और नहीं है। ये बहुत हरामी इंसान है। भगवान बनकर आयदा ऐसी बात मत कहना। पूरी ग्राम सभा के लोग कहते हैं रमजान चाचा बहुत परहेजगार और नेक और भले इंसान है, और तू बता रही हरामी है, दिमाग खराब है तेरा। अरे नालायक, तुझे मालूम होना चाहिए, तुझे मालूम होना चाहिए रमजान चाचा के कितने एहसान हमारे सर पे हैं। इलेक्शन के टाइम इन्होंने हमारी कितनी मदद किया था। अपनी ग्राम सभा में रमजान चाचा जैसा अच्छा कोई इंसान नहीं है, सही कह रहे हो। लेकिन गजाना ने मेरी एक बात ना मानी, न जाने कितनी पिटाई की है चाचा की। क्या मतलब, रमजान चाचा पर इसने हाथ भी उठा दिया? हाँ जाना। क्या उरा हराम चाचे? रमजान चाचा कितने अच्छे इंसान, इतने भले और परहेजगार इंसान, तूने इसके ऊपर हाथ उठा दिया। अरे तुझे मालूम होना चाहिए रमजान चाचा के कितने एहसान हमारे सर पे हैं। ये बेचारे अंधे जरूर हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम इन्होंने हमारी कितनी मदद किया था। ये बेचारे अंधे होकर के भी पूरी ग्राम सभा में, हमारी पूरी ग्राम सभा में 18 गांव लगते हैं, रातों दिन डंडा लेकर के बेचारे हर एक गांव में, हर एक घर में जाकर के लोगों के सामने कुर्ते का दामन फैला करके इन्होंने हमारे लिए वोटों की भीख मांगा है, तब हम प्रधान बने हैं। और तू इन्हें बांध करके लाइए, तेरा दिमाग खराब हो गया है। नालायक, तुझे शर्म आनी चाहिए। या जहाँ जाते हैं तहाँ चौधरी बना हुआ। कितने हरामी इंसान हो, ये बात अगर विक्रम को कह देते या इस रमजान चाचा को कह देते कोई बात नहीं थी, एक लड़की को बता रहे हो साले, ये चौध बना रहे हैं। एका घोंघा पड़ता है। अरे तो एका का मालूम, अंधे रमजान चाचा कितने बढ़िया आदमी हैं, बहुत भले आदमी है बेचारे। इलेक्शन टाइम कितनी तुम्हारी मदद की, बहुत मदद किया था। इलेक्शन टाइम है याद रहा, खाली तुम कहाँ जाते रहो? हाँ, खाली खास खास जगह। हमारी इतनी बड़ी ग्राम सभा है, हम तो खास खास जगह पर पहुँचते थे। देखो अपनी ग्राम सभा में यहाँ 18 ग्राम सभा में एक गाँव है। 18 ग्राम सभा में एक गाँव है, तुम्हारी साले हर बात गाभिन रहती है। हमारी ग्राम सभा में 18 गांव लगते हैं। हाँ, पूरी ग्राम सभा में 18 गांव लागत है। 18 गांव में यहाँ जाए जाए सबके मोहर पर हाथ जोड़ जोड़ पाए पकड़ पकड़ नो आटे मांगी। हाँ। अंधे रमजान के साथ आए। अब या यज्ञ बहुत गर्म है। मतलब गर्म दिमाग है। अभी का अभी का मालूम, देखो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन हुआ मुआटे परी। और तका जब मुआटे परी बक्सा पूरा फुल हो गया, जब बक्सा खुला तो बिल्कुल तुम निरोध भयो। निरोध निरोध बे साले, निर्विरोध बोला जाता है। नालायक कहिए, नालायक तुझे मालूम होना चाहिए इतने अच्छे रमजान चाचा और तूने इसके ऊपर हाथ उठा दिया। अबू जान, तुम इसे अच्छा और नेक इंसान बताते हो और तुम नहीं जानते हो कितना हरामी इंसान है। आखिर क्या किया है बेचारे रमजान चाचा? अगर अबू जान जाना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। बोल, जल्दी बोल। सुनो मेरी बात। और किया अबू इसने आज
कर दिया खेत की फसल काट रहा था और विक्रम ने इसको मौके वारदात पर पकड़ लिया। चोर जानते हुए फिर भी इसने इसकी मदद किया। हाँ बुजुर्ग बेटी गदारा क्या है? बेटी गदारा जरा हंटर इधर लाओ। नमक हमारा खाते हो और रोटी का टुकड़ा हमारा तोड़ते हो और मदद इन साले चोरों की करते हो। शर्म नहीं आई? और ये क्या तेरा विक्रम पाटे भिखारी साले औकात क्या? उन्हें मेरे खेत की फसल कहीं ज्यादा मत मारो इसे। अरे अंधा है चाचा जरा गौर करिए। गलती नहीं कहा जाता दादा, खता होती है जो और करे जान इंसान, यह भूल चाचा नहीं चोर कहिए। खता फुलड़ा ताजमा करके बिक्रम एक अंधे की करके मदद आज तू खाक में मेरी इज्जत दिया है मेरा। तुझे मालूम होना चाहिए चोरों की मदद करना ये कानूनन जुर्म है। चोरों की मदद करना कानूनन जुर्म है लेकिन गरीबों की मदद करना कोई जुर्म नहीं है चाचा। करना मफले जुर्म है करना मफले। अपनी मर्यादा को
फिस्की खत्म होगी हरगिज नहीं, सोच पर तेरी अब मुझको धिक्कार है। हराम जादे, तूने चोर की मदद किया और मैं तुम्हें माफ कर दूं। सारे ग्राम सभा जानती है कि रमजान चाचा को दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन लगता है आपको दिखाई नहीं देता चाचा कि अंधा है। जाने तू इस अंधे के साथ में हमें भी अंधा बना दिया है? ये साला अंधा है, अगर ये साला अंधा है तो निवाला मुंह के अलावा नाक में नहीं खा लेता है, अगर ये साला अंधा है तो अपने घर के अलावा दूसरों के घर में नहीं घुस जाता है, अगर ये साला अंधा है तो खेत में जब खाद डालनी होती है तो अपने खेत की खाद हमारे खेत में नहीं डाल देता है। माफ कर दो इसे, मैं आपके हार जोता हूं चाचा। इसे मारो, नीचे स्वर में, नीचे स्वर में, ऊंचा स्वर ना ही चाहिए क्योंकि स्वर प्रधान आजमत खां को पसंद नहीं है। चाचा आज मेरी जान ले लो, मैं उप नहीं करूंगा, लेकिन गजाला ने अगर मेरे बीच में बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस रियासत के अंदर और इस ग्राम सभा के अंदर अगर ऊंची आवाज बोलने का हक है तो सिर्फ प्रधान अजमत खान को, और किसी ने ऊंची आवाज बोलने की जरूरत की तो उसकी आवाज को हमेशा के लिए नष्ट नाबूद कर दिया जाता है। आप इसे इतना बड़ी दे रहे हैं, एक दिन आपके सर पर बैठेगी और आपकी बेइज्जती होगी। हमारी बात कान खोल कर सुनिए चाचा, अरे ये औरत जात है, इस घर में बैठी नहीं रहेगी, इसे दूसरे के घर जाना है। जैसा यहाँ कर रही है, आपके डर से यहाँ के लोग और आपके हवेली के कर्मचारी यानी कि नौकर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये दूसरे के घर जाएगी जब बहकर, जैसा यहाँ कर रही अगर वैसा ससुराल में करेगी तो आपके नाम पर लोग ठोकेंगे, गाली देंगे, यही कहेंगे कि अजमत खान प्रधान ने अपनी बेटी को कुछ पढ़ाई लिखा नहीं है। बेस्ती हमारी नहीं आपकी होगी। सही है प्रधान जी, जब ये बेटा तुम्हारे यहाँ काम कर रही है, ये तो हम डराते हैं, घबराते हैं, आज उनकी शादी कर दिया हो और जब यह जो काम करते हैं या ऐसा हुआ उतार अख्तियार करी तो तुम्हारे प्रधानी तरफ से भी गाड़ी फेल जाएगी। सही कह रहे हो तुम लोग, वाकई में इतनी बड़ी हो गई, ये इतनी बड़ी हो गई, लेकिन इसको ये समझ नहीं, हट हट पीछे हट, इसको ये तमीज नहीं है कि बड़े भाई के सामने और बाप के सामने कैसे बात करनी चाहिए। नालायक है, बकवास मत कर। तो रे हराम पीछे, हराम चाहे तुझे मालूम होना चाहिए, विक्रम की हमने बचपन से परवरिश की है, बचपन से मनुष्य को पाला है, विक्रम हमारा बेटा है, विक्रम के लिए हमारे दिल में जितनी नफरत है उससे कई ज्यादा प्यार भी है, क्योंकि इस हवेली का हकदार सिर्फ हमारा बेटा विक्रम है। और नाराज बदतमीज, तेरी यह हिम्मत हो गई जो हमारे बेटे के सामने तूने आंख उठाकर बात की, आज के बाद कान खोल करके सुन ले गुजरा, तुझे आज पहली गलती समझकर मैं तुझे माफ करता हूँ, आइंदा तनख्वाह दे रहा हूँ। विक्रम के सामने जब भी कोई बात करना अदब के दायरे में रहकर नीचे सर में बात करना, पहली बात तो विक्रम के सामने बात करना तेरे लिए सख्त बना है, और तू ला सामने तेरा नजर उठाना तेरे लिए सख्त मना है, लेकिन
मारना नहीं मना है। मैं तो समझती थी हम मौजूदा प्रधान हैं, जो कुछ हमारा इंसाफ कहता हूँ वही कर रहे हैं। ये मुझसे छोटी होकर मुझ पर हाथ उठाएगी, बात तो ऐसे गलत है। ये तुमसे छोटी होकर तुम्हारे पर हाथ उठाए बात गलत है, लेकिन है इसमें लेकिन ये है, हमारी बेटी गजारा तुमसे उम्र में छोटी है लेकिन हैसियत में तो तुमसे बहुत बड़ी है। लाख अबूजान, मैं तो डर गई थी, मैं ये सोच रही थी और ये लोग भी समझते थे कि आज गजारा पे मार पड़ेगी, और मैं भी डर गई थी आज मुझ पर मार पड़ेगी। तो डर गए थे, एक बार पसीना पहुंच कर हम पछता रहे हैं, कौन कहां से साले इसको गोबर से बोर करके लाए हो। गदारा, हाँ बुजान, तू डर गई थी। हाँ बुजान, शेरनी होकर तू डर गई थी। अरे नालायक, तुझे नहीं मालूम है, और लोग ये खुशी मना रहे थे, ये कह रहे थे कि अब गदारा को मार पड़ेगी। हाँ बुजान, मन में सब यही सोच रहे थे, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है, इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि प्रधान अजमत खान की हमदर्दी में थोड़ी सी मादर चौधरी भी शामिल है। आप मेरी जान ले लो, मैं वो नहीं करूंगा। अगर गजाना ने हाथ उठाया तो मैं तुम्हें दर्द नहीं करूंगा। नीचे सुर में, नीचे सुर में, क्योंकि शोर प्रधान अजमत खान को पसंद नहीं है। सीना बोल ले, गजाना गजाना से कह दो हटा डाल दे। अरे नारायण, तुझे मालूम होना चाहिए ये पठान की लड़की है। कहावत कहते हैं, कमान से निकला हुआ तीर और बंदूक से निकली हुई गोली और पठान का उठा हुआ हाथ कभी गिर नहीं सकता। बेड़ी गजारा, इसको इतना मारो, इतना मारो, ये साला कम से कम एक हफ्ता पड़ा पड़ा चार पाई पर खाए। विक्रम, आज ऐसी मार मारूंगी कि शायद तू कभी किसी की मदद नहीं करेगा, ना तो किसी की हमदर्दी करेगा। और आ गई आज है, और आ गई आज है अंतिम घड़ी तुम्हारी है। तूने मेरी बेटी को लात मार दिया। अजमत खां किसी के किसी का बहना बाकी नहीं रहता है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता है। तूने मेरी बेटी को लात मार दिया। इधर आ, मैं कह रहा हूं जरा आराम ज्यादा। प्रधानी के बेटा को लात मारो बहुत नाजायज जगह पर, लात मारो भसियाने पर भसियान राब हो गया। ये साला से आप तो क्या समझता है?
साले इशारा उधर कर रहे हो, बात उससे कर रहे हो और लात मादर चोद हमारे जड़े बैठे हो। क्या बात रहे प्रधान जी, बात यह है जब हमें गुस्सा आ जाती है तब हमारी आँखें में पेशाब उतर गया हुआ था, जब हमें पेशाब उतर गया होते तो मारे के लाके तुमने हमारे सामने कभी लात का नाम ले रहा साला कुत्ता नहीं रहा मेरा कोई। एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो, कहा थे कान खोल सुनो, कान खोलकर सुनो और तुम साले पैजामा खोल रहे हो, कितने हरामी हो साले तुम, हैं? बात बात पर साले पैजामा खोल देते हो, ये सब लोग तुमको क्या समझेंगे? अंडू नहीं साले गांडू समझेंगे, बात ये कही है आइंदा सभी साले कभी करसा गांव में अपना पैजामा मत खोलना वरना जमील भैया लोग बड़े शौकीन हैं। शौकीन वो नहीं हमारे तो ये भाई जमील जो है हाजिर में पीछे पड़े हैं, हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं साला कुत्ता नहीं रहा तेरा यहाँ थोड़ा बहुत मजा आ रहा हो आज के बाद ऐसी गलती मत करना, आज तुम्हारे लिए हुक्म है, इस साल अंधे रमजान ने हमारे खेत की फसल काटी है, इसने खेत की फसल काटी है इसके लिए हमारी तरफ से सजा या मुकर्रर है, ले जाओ इसको ले जाकर के पहाड़ी के नीचे डाल दो। अरे पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, वो भी मुसलमान आप भी मुसलमान माफ कर देता था उसे, इस टाइम तू भी मेरी नजर से दूर हो जाओ, मुसलमान हम जरूर है लेकिन मुसलमानों से हमको सख्त नफरत है, सब हंटर के निशान बन गए हैं, फुलाई दिए तब देख गोरी चमड़ी काली हो रही है, सलीम और जल्दी हमारी बेटी को हॉस्पिटल ले जाओ, मार तो करिया तो इसको हॉस्पिटल ले जाओ, प्रधान जी कहूँ ले जाए एक बारी कहूँ ले जाए एक बारी हम तो अपने पर रखते ही है ना, दवा कमरे पर रखते हो और बहुत बड़े एमबीबीएस डॉक्टर हो, पहले कंटोपर रहे कंटोपर साले कंपाउंडर बोला जाता है। अरे प्रधान जी परेशान ना हो, अब है बिटाओ ले जीवा ले जाओ कमरा पर, अच्छा कमरा पर ले जाके इकाया का पहले तो आंटी की खवाई दिया और नेवरा बियान ने जान के खोद दिया दर्द सब दूर पहले गाड़ी देखी गजब हो गया, ये सारा दो टके का किसान अंधा रमजान इसने हमारे खेत की फसल काटने की जरूरत की, अगर उसकी करतूत की सजा उसको नहीं मिलती तो कल कोई दूसरा इंसान हमारे खेत की फसल काट के ले जाता, लेकिन नहीं कल कोई दूसरा इंसान हमारे खेत की फसल काट कर ले जाए, इससे पहले मैं पूरे गांव वालों को सूचित की दे रहा हूँ, सब लोग हमारी बात थोड़ा कान खोल करके सुन लो, आज के बाद हमारे गांव का या हमारी ग्राम सभा का कोई आदमी अगर हमारे खेत के मेड़ पर भी नजर आ गया तो मैं उसको वहीं पर जिंदा दफा कर दूंगा, और कोई सोचे कि तुम लोग हमारा कुछ कर लोगे तो हमारा कर कुछ नहीं पाओगे, तुम लोग हमारा कर कुछ नहीं पाओगे क्योंकि हम इस टाइम यहां के मौजूदा शाम होने वाली है और ना तो अभी भैया खेत से आए हैं और ना तो बिजली बिजली भी आई है, पता नहीं कहाँ रहेंगे। मैं क्या देखती हूँ भैया,
संती मारा खो से परदान दे